ये आ गए हम अभी जम्मू रेलवे स्टेशन, जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, और आगे एक दो दिन आने वाले आई थिंक मेरा ये है हमारा जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने का कुछ प्यारा सा व्यू इस साइड, ये पार्किंग जम्मू टोरंटो एक्सप्रेस। ये कितनी लंबी ट्रेन है वो। स्वागत है दोस्तों आज के आपके इस सफ़रनामे में, जो सफ़रनामा अभी इस बारिश में स्टार्ट हो रहा है। पूरी बारिश जो है अराउंड सुबह से ही लग गई है बारिश जम्मू में, और हम अभी हॉस्टल से निकल रहे हैं। दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैं और अभिषेक निकल रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन के लिए। मुझे कुछ टिकट्स लेनी और शाम को मुझे निकलना है यूपी के लिए, तो अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से टिकट्स लेनी है। तो पहले चलते हैं रेलवे स्टेशन, और ठंड जो वो काफ़ी ज़्यादा है, बारिश में जो है राइड करने का काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन हाथ जो वो ठंडे हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यूनिवर्सिटी बंद है तो गेट भी पूरे तरीके से बंद है, एंट्री नहीं मिल रही है इजीली, किसी को एंट्री नहीं। पूरी आप देखते थे रोड पे पूरे पानी आ गया, और बारिश जो है वो पूरे मतलब सुबह से ही बारिश हो रही है, और अंदर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इतनी ठंड, बिस्तर में आप घुस जाओ तो फिर बाहर निकलने का आपका मन नहीं करेगा, तो इसलिए सुबह से हम बैठे थे और अभी हम निकले, वो भी काम पड़ा तो इसलिए निकले। और ब्लॉग भी आज मेरे पास ब्लॉग नहीं था अपलोड करने के लिए, मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग भी बन जाएगा और अपने काम भी हो जाएंगे। बारिश में ना मौसम बिल्कुल अलग हो जाता है, और व्यू भी काफ़ी अलग, पूरी ग्रीनरी सी आ जाती है, जो भी डस्ट होता है पेड़ों पर वो सारा जो चला जाता है, और पूरी जो भी पेड़ होते हैं वो ग्रीन ग्रीन दिखने को मिल जाते हैं। और आज वैसे भी सैटरडे है और वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, नॉन एसेंशियल कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो बहुत कम ट्रैफिक है, जैम्स भी कम दिख रहे हैं ट्रैफिक जैम्स, और बारिश में चलने का भी अलग ही मज़ा आ रहा है। ये आ गए हम अभी जम्मू रेलवे स्टेशन, जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, और आगे एक दो दिन आने वाले आई थिंक मेरा कुछ ब्लॉग जो है यूपी सीरीज के आएंगे। अगर हुआ मेरे ब्लॉग शूट हुए तो मैं ब्लॉगिंग के लिए नहीं जा रहा, ऐसे काम है, तो अगर मेरा कोई ब्लॉग शूट हुआ तो मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो एक दो दिन के बाद मेरे ब्लॉग्स आएंगे। तो होप आप तब तक मेरे चैनल पर बने रहोगे। ये सामने आपको दिख रहा होगा ये पूरा जम्मू रेलवे स्टेशन है, ये इस साइड और इस साइड, ये पूरा जम्मू रेलवे स्टेशन, ये है हमारा जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने का कुछ प्यारा सा व्यू इस साइड, ये पार्किंग और ये मेन एंट्रेंस, और इस साइड से एग्जिट, और ये है मेन रेलवे स्टेशन के सामने की बिल्डिंग। आज काफ़ी कम रश है, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा रश रहता है। अभी मैं एटीएम से होके आ गया हूँ, होप के आज टिकट मिल जाए, अभी टिकट मिलना सब डिपेंड, देखते हैं मिलती है नहीं। अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और ये यहाँ पे ट्रेन जम्मू टोरंटो एक्सप्रेस। ये कितनी लंबी ट्रेन है वो उस साइड एंड तक, और इस साइड ग्रीन कलर की ट्रेन। अभी चलते हैं ऊपर टॉप पे, और टॉप से देखते हैं पूरा रेलवे स्टेशन जो है, टॉप से दिख जाएगा हमें कितनी ट्रेन्स कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ से पूरा रेलवे स्टेशन दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन के ऊपर पूरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और पूरा ये वाला ट्रैक अभी खाली पड़ा है, इस पर ट्रेन खड़ी है, इस साइड पूरी ट्रेनें खड़ी हैं। वो रेड वाली ट्रेन जो लास्ट टाइम मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, वो ये रेड वाली ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। इस साइड डेंजर रखा है इनके साथ, आप देख सकते हो इनमें करंट लग सकता है आपको 25,000 वोल्ट्स का, अगर इनके साथ ज़्यादा कभी रिस्की रहता है इनके साथ टच करना तो इनसे थोड़ा दूर। और ये इस साइड पूरा जम्मू का रेलवे स्टेशन, वो पीछे आप देख सकते हो मालगाड़ी, वहाँ पे पूरा माल आता है, उस साइड जो पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही होगी वहाँ से पूरे जो है ट्रक लोड हो रहे हैं, वो सामने पीछे से आपको दिख रहे होंगे, इस एरिया में पूरे जो ट्रक जो है वो लोड हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर पूरा रश भरा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे अभिषेक ने हेलमेट डाल के रखा है, ये हेलमेट नहीं उतार रहे हैं। हम वापस निकल रहे हैं, और इस साइड से ये रास्ता, ये दूसरी बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की उस साइड वाली, और इस साइड से मेन फर्स्ट वाली बिल्डिंग जहाँ से हम सीधा जो है प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ये हमारा जम्मू का पूरा रेलवे स्टेशन, यहाँ अभी एग्जिट की ओर जा रहे हैं। ये मेन बिल्डिंग का आर्किटेक्चर सामने से ऐसी दिखती है फ्रंट से, और इसके उस साइड यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के लिए जो भी टिकट्स लेनी होगी वो यहाँ से, और जनरल के लिए वहाँ से आपको मिलती है, और यहाँ पे आप रिजर्व जितनी भी टिकट्स लेंगे वो आपको इस बिल्डिंग से मिलेंगे, ये वाली रेल रिजर्वेशन सेंटर से। यहाँ पे याद रखें जब भी आप आएंगे, जनरल वाली आपको मेन वहाँ से मिल जाएगी सामने से, और
मैंने भी अपनी टिकट दे दी, ये रही हमारी टिकट और हम जा रहे हैं यूपी। एक सीन ऐसा है, जाना हमने यूपी था लेकिन हमने टिकट हरिद्वार के लिए, क्योंकि वहाँ जहाँ हमने जाना था वहाँ की टिकट नहीं मिल रही थी और इसलिए हमने वहाँ से पास वाला जो रेलवे स्टेशन था वो था हरिद्वार और वहाँ की टिकट ले ली है। और ये प्यारा सा यहाँ पे आप देख सकते हो पार्क और इसके बीच में एक अच्छा सा आर्किटेक्चर गजब का है, फ्लावर बनाया गया है फ्लावर टाइप का। रेलवे स्टेशन के बाहर है ये जम्मू का। अभी बारिश जो वो काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो पूरा मतलब भीग गए हम, पूरी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कैमरे के आगे आई थिंक कैमरे के आगे जो है वो बूंदे इस टाइम पड़ रही है और कैमरा जो वो फोकस नहीं कर पा रहा है जितना मुझे लग रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी हम सीधा वापस निकल रहे हैं रूम की ओर क्योंकि भीग गए हम पूरे, और ज़्यादा मैं भीगना नहीं चाहता क्योंकि मुझे निकलना और बीमार नहीं होना चाहता हूँ मैं, इसलिए अभी हम सीधा ही निकलते हैं वापस। जितना भी वो व्लॉग बना होगा आई थिंक बन ही गया है व्लॉग, तो देखते हैं कितना बना। 19 MCH हॉस्पिटल 200 बेड जो बनाया है, कितनी प्यारी बिल्डिंग है। और इस साइड ये गांधीनगर का हॉस्पिटल है, अभी यहाँ पे अभिषेक आया है लंचन लेने। हम बारिश में ब्लॉग जो हम कर रहे हैं पागलों की तरह, और आगे अभिषेक चला रहा है और मैं पीछे बैठ के ब्लॉग कर रहा हूँ। मतलब बाइक के पीछे बैठ के ब्लॉग करने का अलग ही मज़ा है, मतलब ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जो मैं पीछे बैठ के कर रहा हूँ। एक जब मैं पत्नीटॉप से आया था तब मैंने पीछे बैठ के ब्लॉग किया था, और ये दूसरा वाला ब्लॉग जो मैं पीछे बैठ के अभी कर रहा हूँ। और पीछे बैठ के आप सिर्फ ठंड का एक्सपीरियंस ले सकते हो, पीछे बैठ के जितनी ज़्यादा हवा और ठंड लगती है ना उतना कोई मतलब इतनी तेज़ हवा लगती है इतनी आगे वाले को लगती है, पूरे शरीर में हवा लगती है ना पीछे तरफ, वो ठंड का हवा पीछे तो ज़्यादा फील होती है ना ठंड के पीछे ज़्यादा लग रही है। और बारिश वो काफ़ी तेज़ हो रही है, मेरे हेलमेट के ऊपर पूरे कतरे कतरे गिर रहे हैं। यहाँ पे अभी सिग्नल रेड और मेरे कैमरे पे पानी की वो ओस आ चुकी है, ओस जम चुकी है। बारिश से बचने का नया तरीका, ऊपर से फ्लाईओवर के नीचे नीचे से हम चल रहे हैं क्योंकि बाहर जो वो बारिश हो रही है और हम यहाँ से बच बच के जा रहे हैं। और अभी हम सीधा जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं, अब नहीं हम रुकेंगे, बहुत रुक लिया। आज सैटरडे है और पूरा जम्मू जो वो अभी बंद है और हम भी पहुँचने वाले हैं अब वापस यूनिवर्सिटी। तो आई होप आपको आज का सफ़रनामा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा जो सफ़रनामा हमने और आपने एक साथ मिलकर काटा। और इसमें जो मेन आज के किरदार रहे वो हमारे अभिषेक रहे और उन्होंने ये सफ़रनामा पूरा करवाया। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं यूनिवर्सिटी। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो सब्सक्राइब कर ही दो। और मैं मिलता हूं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।